का विकास जो है वो चैप्टर में शुरू किया था हमने। इसकी आज आखिरी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, आखिरी वीडियो है ये, उसमें मानव भूगोल का विकास जो है टॉपिक आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मानव भूगोल कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ, कैसे उन्होंने अपना विकास किया, उन्हें भूगोल नेताओं ने जो है भूगोल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो मानव भूगोल का विकास जो है वो तीन चरणों में जाकर के पूरा हुआ था। प्रथम चरण था प्राचीन काल, फिर मध्यम काल और अभी आधुनिक काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में मानव भूगोल ने किन किन तथ्यों का जो है वो विकास किया था, किन किन चीजों की कमी रह गई थी, फिर मध्यम काल में उसकी पूर्ति की और आधुनिक काल में किन किन चीजों पर काम किया था वो अपन बात करने वाले हैं। प्राचीन काल में मानव भूगोल देखना, हम इस काल तक यानी शुरुआती दौर में जब इंसान केवल पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर था, तब क्या होता था, समाजों में जो है लोगों के बीच आपसी मेल मिलाप का जो है अभाव देखने को मिलता था। लोग एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे के बारे में जानकारियां नहीं थी उनको, एक दूसरे के बारे में ज्ञान था वो सीमित था, वे आपस में एक दूसरे से मिलने से थोड़ा कतराते थे। इसके अलावा तकनीकी स्तर बहुत लो यानी निम्न था तथा पूर्ण रूप से वो प्राकृतिक वातावरण की छाप उन पे छाई गई थी, यानी जो मनुष्य था वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण के अंदर दबा हुआ था, उसके अंदर अपने आप को बांध करके जीवन यापन कर रहा था। फिर उस समय तक देखो विश्व के कुछ देश थे जिनपे पूर्ण रूप से जो है प्राकृतिक वातावरण उस पे छाया हुआ था, उनके दबाव में जीवन यापन करते थे। उसमें देखना भारत, चीन, मिस्र, यूनानी, इन सभी देशों के लोग जो थे वो प्राकृतिक शक्तियों के साथ ज्यादा प्रभावित थे, प्राकृतिक शक्तियां उन पे हावी हुआ करती थी। वो लोग जो थे प्राकृतिक प्रकोप से डरते थे, उन पे विश्वास करते थे, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि को देवता मान करके उनकी पूजा करते थे इस समय प्राचीन काल में। इसके अलावा यूनानी दार्शनिक जो थे हेल्स, उन्होंने इस काल तक यूनान के जो दार्शनिक थे हेल्स नामक, उन्होंने इस काल तक प्राचीन काल में जो है मानव भूगोल की जलवायु के बारे में बता दिया था, वनस्पति के बारे में उन्होंने अपने पूरे विचार जो थे वो दुनिया के सामने रखे थे। फिर उसके बाद आए थे अरस्तु, इन्होंने वातावरण के प्रभाव के बारे में कि लोग किस प्रकार वातावरण के अनुकूल अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, इस चीज पे जो है विश्व के सामने अपने तथ्य रखे थे। इसके बाद आए थे हेरोडोटस, जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे, हिस्टोरियन जो थे, उन्होंने मकड़ जनजाति के लोग जो घूम घूम के मकड़ जनजाति होती है घूम के अपना जीवन यापन करते हैं, आज यहाँ कल कहीं और नहीं परसों कहीं और, तो उस चीज के बारे में घूमकर जाते के बारे में इन्होंने अपने विचार जो है विश्व के सामने रखे थे। फिर अंत में आए थे इकेटियस, आपको पता होगा पाठ के शुरू में मैंने बताया था इकेटियस कौन था, यस फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के जनक, जिन्होंने भूगोल के बारे में सर्वप्रथम विचार दिए थे। इकोटियस आए थे सबसे अंत में और उन्होंने जो है भूगोल के बारे में विस्तृत जानकारी लोगों के सामने रखी थी। ये तो बात हो गई प्राचीन काल में किस प्रकार मानव भूगोल ने अपना विकास धीरे धीरे किया। फिर बात करते हैं मध्यम काल में। प्राचीन काल में बताया कि जो है तकनीकी ज्ञान निम्न था, लोगों को समझ नहीं थी एक दूसरे से, मतलब ज्ञान जो है उनके बारे में लिमिट था, सीमित थी। अब मध्यम काल में धीरे धीरे जब भूगोल आगे बढ़ा तो मानव भूगोल का विकास भी जो है अपने चरण जो स्पीड गति जो होती है ना उसको पकड़ लिया, यानी विकास के स्तर को थोड़ा तेज कर लिया। नौ संचालन यानी कि जहाज, नौकायन वगैरह का जो है उनमें लोगों ने कुशलता प्राप्त कर ली, जहाज चलाने में, समुद्र के जरिए व्यापार करने में जो है धीरे धीरे लोगों को कुशलता मिलने लगी। जब कुशलता बढ़ने लगी लोगों के बीच, कामकाज करने की कुशलता में वृद्धि हुई, तो धीरे धीरे तकनीकी ज्ञान में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। लोगों ने नए नए तकनीक के बारे में जाना, अपने जीवन जीने की शैली में परिवर्तन लाना शुरू किया। फिर इसके बाद देश और लोगों के रहस्य खुलने लगे, विश्व के जितने भी अलग अलग देश थे उनके वहाँ के रहने वाले लोगों के रहस्य कि कौन सा देश कितनी तरक्की कर रहा है उसके बारे में भी अलग अलग रहस्य इस काल में खुलने लगे थे। तो ये सारी गतिविधियाँ जो है मध्यम काल में हुई थी। भूगोल का सबसे सर्वाधिक विकास और सबसे इफेक्टिव यानी कि प्रभावित डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो वो है आधुनिक काल में होता है। आधुनिक मानव भूगोल के आधुनिक जनक मैंने पहले बताया था फ्रेडरिक हेंसेल, आधुनिक मानव भूगोल के जनक, सबसे ज्यादा विकास भी मानव भूगोल का है वो इसी काल में हुआ था। न केवल विकास बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में क्या हुआ था, अलग अलग भूगोल नेताओं ने अपने विचार लोगों के सामने रखे मानव विकास मानव भूगोल के बारे में बताया। तो वो इस काल में सारी गतिविधियां हुई थी। सबसे पहले अलग अलग देशों के भूगोल नेताओं ने भूगोल को फैलाया अपने अपने देशों में या फिर
देशों के बाहर जो है भूगोल, मानव भूगोल के बारे में अपने विचार रखे और लोगों में इस चीज को ज्यादा फैलाया। फिर कौन कौन थे, जैसे जर्मन भूगोल के तो होते हैं हम्बोल्ट, रीगर, फ्रोबेल, रेडजेल, इन्होंने जो है अपने अपने स्तर पर जो है भूगोल को मानव भूगोल को फैलाया था। इसके अलावा फ्रांसिस भूगोल देता भी थे जिन्होंने मानव भूगोल को फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो है सर्वाधिक विकास मानव भूगोल का इसी काल में, यानी फ्रांस से ही सबसे ज्यादा मानव भूगोल फैला। बात करें कि किस देश में मानव भूगोल का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ, तो आपको याद रखना है कि फ्रांस में ही सबसे ज्यादा मानव भूगोल का विकास हुआ था। फिर बात करें अमेरिका में एलन सैंपल जो की कौन थी, लैटिन रेडजेल की शिष्या। इसके अलावा हंटिंगटन ग्रिफिथ टेलर जिन्होंने कौन सी नवनियतिवाद की विचारधारा की थी, इन्होंने अमेरिका में भूगोल मानव भूगोल के को फैलाया। ब्रिटेन में भी कुछ भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में अपनी विचारधारा बोली थी, मैकिंडर, रॉक्सबी और फ्लूअर नामक जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने जो है मानव भूगोल के विकास को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ब्रिटेन में, न केवल ब्रिटेन बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी फैलाई थी। आखिर में 20वीं शताब्दी का वो दौर आया जहाँ पे पूर्ण रूप से मानव भूगोल जो है अपने चरण स्तर पर पहुँच गया और अपना पूर्ण रूप से विकास करके एक सभ्य शाखा के रूप में निकल कर आया। तो ये था मानव भूगोल का विकास जो तीन अवस्थाओं में जाकर के पूर्ण हुआ था, प्राचीन, मध्यम और आधुनिक। आधे नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए या फिर फ्रांस या जर्मनी या ब्रिटेन के भूगोलवेत्ताओं के नाम। इसका हो सकता है कि पूरा एक लघुतात्मक प्रश्न भी बन जाए कि मानव भूगोल के विकास को अलग अलग अवस्थाओं में बताइए। इसी के साथ हमारा जो मानव भूगोल का अर्थ विषय क्षेत्र प्रकृति वाला जो चैप्टर था वो यहीं समाप्त।